तो एखान से मन पति और पत्नी बांधते जाते हैं। सो गाइस फाइनली मैं अभी अविनाश भैया के साथ हूँ, आप देख सकते हो। अरे एक दोस्त है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एंड आज थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, वैसे भी कल ढंग से वीडियो नहीं बना पाया, एंड में तो गया लोचा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से बिहावन परिश, मेरा परिश बोले तो शादी है, बांग्ला शादी, तो वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद शायद हम लोग यहाँ से निकलेंगे संबलपुर के लिए। कब से सोच रहा हूँ, जाऊँगा लेकिन जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। और एक हफ्ता हो गया बस घूम ही रहा हूँ, ठंडा हो गया, सर्दी हो गया, सब कुछ। तभी चलेंगे सब लोग, और वहाँ से आने के बाद पता नहीं क्या है। इधर मामू गेट खोल रहे हैं, ऐसे गाड़ी में जाएंगे। चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए, और हम लोग लेट हो चुके हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है इधर बिहावन चर्च, मेरा पारिस। चलो चलिए चलिए। यस वेलकम टू आवर वेडिंग नेहा एंड अभिषेक। तो चलिए फिर मिलते हैं मास के बाद।
दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7-12। पाठ का मुख्य विषय ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर दुलारे बहन नेहा, भाई अभिषेक, यहाँ के पैरिश फादर बिपिन, सहायक फादर और स्कूल हेडमास्टर फादर संजीव, फादर प्रदीप समार, फादर खाली देख
अभिषेक तो है मन एक दूसरे के जीवन में प्रेम करे के कागार कराता और बाकी के मन आई मन साक्षी रावे सोमवार की मन के पवित्र विवाह संस्कार के करा के साक्षी बना और साक्षी बने करके जाने करता है कि मन का कहा है और का करा है। मुझे सुना था कि नहीं सुना था जे कोनो भी बना ही बहुत प्यारा लगता है।
और विशेष करके है सुंदर चीज वस्तु में से कोनो कोनो के हमारे परिवार के पवित्र बनाए कहीं ना लग रहे हैं। तो ऐ हमने माने है अंगूठी जे धरती के रहे चीज वस्तु से है बना जाए ऐ जीवो जन के प्रेम के बंधन के चिन्ह बन जाते हैं। प्रभु ये अंगूठी मन के आशीष दे जेकर से कि जब जब ये माने अंगूठी के एक दूसरे के हाथ में पिघला दे पाए घोषणा कर में अनुभव कर पाए कि माने दूसरा के बने इनकारा करा व्यक्ति बने हैं। प्रभु ये अंगूठी के आशीष प्रदान कर हमारे मुक्ति दाता यीशु मसीह के द्वारा तो एकां से मन पति और पत्नी बांटे जाते और
संस्कार का संकल्प हो रहा है वादरे देश की अपूर्ण योजना प्रकट करना।
चलो यहाँ का मास तो हो गया खत्म। अरे मेरे साथ रंजन भाई, सर अभी और एक जोड़ा शादी है, अभी और जोड़ा शादी, और एक जोड़ा शादी है, ये कौन आशीष देंगे? फादर संजीत, फादर संजीत, फादर संजीत। और अभी जो पहले मास ऑफ आर्च बिशप जॉन बरवा वो आशीष दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और एक भैया से आप लोगों को मिलवाना है, देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मिलवाएंगे अच्छा से। और सकर भाई को फ़ोन किए थे, आएंगे तो साथ में मिलेंगे, तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और ये फर्स्ट चर्च मैरिज अटेंड कर रहा हूँ हम लोग का भी हवन पारिश में, यहाँ आप देख सकते हो। और ये नेहा दीदी एंड अभिषेक जीजू का, तो मेरी चाची का फ्रेंड की शादी, ठीक है, तो मिलते हैं बाद में ब्रेक के बाद। तो अभी फोटोशूट चल रहा है, एक दो फोटो ले लेते हैं यहाँ से। और अविनाश भैया भी निकल रहे हैं ऊपर से, आप देख सकते हो, ये अविनाश भैया, मैं बोल रहा था इसके बारे में ही, इनसे ही मिलवाऊंगा बोल के बोल रहा हूँ। तो अभी दूसरी जोड़े वालों का भी शादी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, और ये फादर संजीत आशीष देने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली मैं अभी अविनाश भैया के साथ हूँ, आप देख सकते हो, अरे एक दोस्त। सो भैया बोल रहे थे कि रौलकेला आ चुका हूँ, जिसको जिसको मीटअप करना है आ सकते हो, तो मेरा चांस मिल गया, मैं पहुँच गया। एंड अभी बिहाबंद पेरिस में है, चर्च मैरिज के लिए आए थे, मैं तो बताया था बिहाबंद में हूँ करके, कल वाले ब्लॉग में बताया था, तो कल ही देखा हम लोग, कल नहीं देखा। तो यहाँ पे इनकी किस्मत थी कि ये मुझसे मिल लिए, और मीटअप का ऐसा था कि थोड़ा कैंसिल हो रहा है मीटअप, इसीलिए जिनकी ये किस्मत है वो मिलते जा रहे हैं, बाकी जिनसे मैं भी मिल रहा हूँ उनके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो थैंक यू मुझसे मिलने के लिए। हाँ, अरे मैं इनका वीडियो देखता हूँ, सक्सत मेरे वीडियो में आ गए। बहुत खुशी लग रहा है इनका, चलो मुझे नहीं पता, बट अभी इनका आनंद मिंज ब्लॉग्स, आनंद मिंज ब्लॉग करके हैं, अभी मैं भी जाके सब्सक्राइब करूंगा, और आप लोग भी प्लीज इनको सपोर्ट करिएगा, ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत काम है। अभी भी मास चल रहा है, मतलब दूसरे जोड़े वाले शादी, दूसरे शादी जोड़े वाले का मास चल रहा है। So, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर, चाची को हमारे घर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, और यहाँ चर्च का प्रोग्राम खत्म हो गया, तो बाद में आएंगे रिसेप्शन के लिए, अभी घर जाके आते हैं। चलो पैदल चलते हुए घर की ओर, चलो चल मुस्कान, चल घर देखा भी, चल आ। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, एंड चाचू चाची को घर दिखा रहे हैं, और मैं ऊपर में मामू के साथ इधर टेरेस देखने आए हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो ऊपर में आ गए हैं, और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग रिसेप्शन के लिए। और हम तो सोच रहे थे आज ही संबलपुर जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाएंगे, संबलपुर कल जाएंगे, तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद जाएंगे बिहार रिसेप्शन के लिए, तो मिलते हैं वहीं पर। और क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, थोड़ा घर जाके आएंगे, अपना घर, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।